Hello friends, now come to the second unit of chapter 1 unit 2, that is introduction of basic economic problem and the price mechanism. So first of all, basic problem of economy. Sabse pehla problem kya hai? Economic problem kyun start hota hai? So, देखो, reason is very simple. Unlimited wants and limited resources. हर एक economy, economy is country. Country के पास resources कितने? Limited. और wants, इच्छाएं कितनी? Unlimited. Unlimited wants and limited resources means scarcity of resources is the reason of most of the economic problem. कोई भी country में problem क्यों है? Economic problem क्यों start हो रहा है? Scarcity, shortage of the resources. So देखो, every economic system, whether it is a capitalist, socialist, or mix, has to deal with the central problem of scarcity of resources relative to the wants. Scarcity, shortage of resources relative to the wants. इच्छाएं बहुत है और resources कम है. And this is called as central economic problem. Okay. So what do you mean by central economic problem? Limited resources, scarcity of resources compared to the limited resources. Resources kya hai? Kam. Scarcity of resources. Scarcity of resources and unlimited wants. Ichchaein bahut hai. Resources kam hai. So is wajah se har ek economic problem arise hota hai. इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है? गेटिंग? सो यहां पे क्लियर दिया उन्होंने, स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेस रिलेटिव टू वांट्स. नाउ चार प्रॉब्लम है. स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेस के वजह से जो प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. एंड देर आर फोर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फोर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सो ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम चार कौन से हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस. रिसोर्सेज लिमिटेड होने से पहला प्रॉब्लम आ रहा, व्हाट टू प्रोड्यूस. हमें क्या बनाना चाहिए? व्हाट टू प्रोड्यूस. क्यों? सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हर चीज नहीं बना सकते. व्हाट टू प्रोड्यूस, कंट्री को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? हम हर चीज प्रोड्यूस कर पाएंगे क्या? नहीं. क्यों नहीं? रिसोर्सेज ही कम. नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस. द सेकेंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस. हाँ, मतलब लेबर या ज्यादा यूज करें या मशीन. देर आर वेरियस अल्टरनेटिव टेक्निक्स, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव टेक्निक रहने से हमें डिसीजन लेना है हाउ टू प्रोड्यूस. दिस इज सेकंड प्रॉब्लम. एंड थर्ड, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए बनाना. अभी देखो, हम कंट्री के हर आदमी की इच्छा पूरी नहीं कर सकते. हमें गुड्स किसके लिए बनाना है, किस सेक्टर से डिमांड आ रही, कौन से ग्रुप से. हर एक की डिमांड हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे. सो सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वन वांट ऑफ ऑल द पीपल. हम हर एक आदमी की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते. देयरफॉर इट हैज टू डिसाइड हु शुड गेट हाउ मच ऑफ द टोटल आउटपुट. सो तीसरा क्वेश्चन है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. एंड लास्ट, what provision should be made for economic growth, that is society has to decide how much saving and investment should be made for further progress. Kitni saving aur investment zaruri. Okay, clear yahan tak? Ek bar wapas se. First economic problem. Economic problem kyun arise ho raha hai? Scarcity of resources relative to the wants. Ichchaen zyada hai, resources kam. Iske wajah se kya problem ho raha hai? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो रहा है. सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम चार इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या बनाना है. रिसोर्सेस कम है, हमें हमारी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी व्हाट टू प्रोड्यूस. सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, बिकॉज देर आर वेरियस अल्टरनेटिव, लेबर इंटेंसिव, मशीन इंटेंसिव. हाउ टू प्रोड्यूस, दिस इज सेकंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. थर्ड, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हम
सबकी सोसाइटी की पूरी डिमांड पूरी नहीं कर सकते, किसके लिए कितना प्रोड्यूस करना, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर दैट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. सो फोर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आई इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबको ध्यान में. सो दिस इज वन पार्ट. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. ब्रॉडली देर आर थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. यहां पे हमारे पास तीन इकोनॉमिक सिस्टम है. देखो मैं यहां पे लिख देता हूं. कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड. देर आर थ्री इकोनॉमिक सिस्टम. पहली है कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट, जहां पे पैसे को सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइस मैकेनिज्म कैपिटलिस्ट. सोशलिस्ट सामाजिक, एंड मिक्स्ड दोनों, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट मिक्स. सो देर आर थ्री इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड. सो विल स्टार्ट विद द कैपिटलिस्ट. पहला इकोनॉमिक सिस्टम है कैपिटलिस्ट. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज फ्री इकोनॉमी, लाइसेंस फेयर इकोनॉमी. Everybody is free, whatever he want to do, he can do. No restriction on consumption, no restriction on production. All resources are privately owned. Capitalist economy, आ रहा ध्यान में? Capitalist economy मतलब कैसी economy है? जहां पे सबके सब resources कैसे हैं? Privately owned. Government have no control, privately owned. जो है सब private firm का. Whatever you want to produce, you can produce. आपको जो बनाना बनाए. Whatever you want to consume, you can consume. So, freedom of consumption, freedom of production. तुम्हें जो production करना है करो, जो consumption करना है करो. So, what to produce and how to produce and for whom to produce, ये सबके सब decision कौन लेने वाला है? Price, पैसा, private ownership. Free economy means private ownership. Free economy is a private ownership. जो भी decision है, what to produce, how to produce, for whom to produce, सबके सब decision कौन लेने वाले? Private firm. और private firm किस चीज पे ध्यान देंगे ज्यादा? पैसा, profit motive. So ऐसे economy का एक ही object रहने वाला, पैसा कमाओ. Free economy. Free economy means government control is zero. All resources are privately owned. जिसे जो करना है करो. So देखो, capitalism, the predominant economic system in the modern economy, is the economic system in which all means of production are owned and controlled by individual. Underline kiya hua hai, all the means of production are owned and controlled by private individuals for profit. Sabhi resources kaun se hain? Privately owned. Also called as free economy ya license fair economy. Exam mein aaye hue hain ye. So, इसके फीचर्स क्या हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब सबके सब रिसोर्सेस हैं, वो किसके हैं? प्राइवेट. सो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने देखे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर, सब कौन डिसाइड कराएगा? प्राइवेट फर्म, प्राइवेट ओनरशिप, गवर्नमेंट विल नॉट इंटरवेन. फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट है. सो देखो पहला फीचर, राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. हाँ, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन, राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. लैंड, फैक्ट्री, मशीनरी, सबके सब किसके हैं? प्राइवेट. गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं, प्राइवेट ओनरशिप. फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, या आपको जो बिजनेस करना है करो, फ्रीडम, नो रेस्ट्रिक्शन. ईच इंडिविजुअल, वेदर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, रिसोर्स ओनर, आर फ्री टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. फ्री टू एंगेज एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो करना करो. मुझे वेपन्स बनाने, बनो. मुझे वेपन्स बेचने, ओके, फ्री करो. गवर्नमेंट बीच में नहीं करेगी. मुझे चरस गांजा बेचना है, बेचो, फ्री इकोनॉमी. गवर्नमेंट विल नॉट इंटरवेन. दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज. मुझे जिस चीज में पैसा मिल रहा है वो मैं करूंगा. इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब पैसा, सब प्राइवेट प्रॉपर्टी है. एंड फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, जिसे जो करना है करो.
फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, हाँ, जिसे जो खाना है जो पीना है, ऑल इंडिविजुअल आर फ्री टू मेक देयर इकोनॉमिक चॉइस रिगार्डिंग कंजम्पशन वर्क प्रोडक्शन एक्सचेंज, जिसे जो कंज्यूम करना करो, जिसको जो प्रोडक्शन करना करो, फ्री इकोनॉमिक चॉइस। प्रॉफिट मोटिव, हर एक आदमी अभी कौन सा काम करेगा जहां पे पैसा मिलने वाला, फ्री इकोनॉमी है, हमें कोई गवर्नमेंट रोकने वाला है नहीं, तुम्हें जो करना करो, मुझे जिस चीज में पैसा ज्यादा मिल रहा है वो काम करूंगा, अभी फ्री इकोनॉमी, गवर्नमेंट मुझे बोल रही वेपन, कल को मुझे लग रहा है यार ये पढ़ाने से अच्छा तो मैं वेपन बना के बेचूं, मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, वेपन बनाना स्टार्ट कर दूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बच्चों को बैंक रॉबरी सिखाऊं उसमें ज्यादा प्रॉफिट है, वो करो, फ्री इकोनॉमी, गवर्नमेंट बीच में नहीं करेगी, आपको जो करना है करो, एवरीबॉडी इज फ्री, मुझे चरस गांजा बेचना है बेचो, मुझे जो करना है करो, फ्री इकोनॉमी। सो ऐसे इकोनॉमी में हम लोग कौन सा बिजनेस करेंगे जहां पे प्रॉफिट ज्यादा है। सो प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी एंड डायरेक्ट ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जहां पे प्रॉफिट मिल रहा है वहां पे सब वही काम कर रहे हैं। सो प्रॉफिट विल डायरेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर सॉवरेनिटी मतलब कंज्यूमर राजा है, कंज्यूमर इज द किंग अंडर कैपिटलिज्म। कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है वो लोग बनाएंगे, कंज्यूमर जिस प्रोडक्ट का कंज्यूमर है, भले वो प्रोडक्ट इंजूरियस टू हेल्थ रहो, हार्मफुल रहो, कुछ भी, अगर उसको कंज्यूमर है, लोग पैसे देने को तैयार है, मैं वो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है, फ्री इकोनॉमी ना। कंज्यूमर सॉवरेनिटी मीन्स दैट बायर इज अल्टीमेट डिटरमाइन विच गुड्स एंड सर्विस विल बी प्रोड्यूस। कौन डिसाइड करेगा क्या बनने वाला है, बायर, जिस चीज के लिए बायर ज्यादा पैसे देने को तैयार है वो चीज बनेगी, सिंपल। कॉम्पिटिशन, हाँ, फ्री इकोनॉमी है, गवर्नमेंट किसी को रोकेगी नहीं, तो हर एक बिजनेस में कॉम्पिटिशन बढ़ेगी, जहां पे प्रॉफिट है वहां पे कॉम्पिटिशन। सो कॉम्पिटिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड कॉम्पिटिशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट अमंग द बायर एंड सेलर, रिजल्ट इन एफिशियंट यूज। कॉम्पिटिशन से बायर एंड सेलर दोनों बेस्ट परफॉर्म करते हैं, सेलर भी कम से कम रेट में ज्यादा से ज्यादा बेस्ट क्वालिटी देने को कोशिश करेगा, कंपटीशन है, एंड बायर भी कम से कम पैसे खर्च करना चाहेगा क्योंकि इतनी कंपटीशन है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सो कम एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट तुम्हारे काम में बीच में नहीं करेगी, आए ध्यान में। सो इस टाइप के फीचर्स वाले मार्केट को कौन सा मार्केट बोलते हैं, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट, एक बार वापस से, कैपिटलिस्ट मीन्स क्या था, ऑल फैक्टर्स आर प्राइवेटली ओन, ऑल्सो नोन एज फ्री इकोनॉमी और लाइसेंस फेयर। सो ऐसी इकोनॉमी क्या होता है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, हर एक आदमी जो भी है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर प्राइवेटली ओन। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, एवरीबॉडी इज फ्री टू डू वॉट एवर इकोनॉमिक एक्टिविटी ही वॉन्ट टू डू। फ्रीडम ऑफ चॉइस, जिसको जो कंज्यूम करना है जो वर्क करना है, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। प्रॉफिट मोटिव, ऐसे इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, पैसा कमाओ। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर इज किंग, कंज्यूमर को जो चाहिए, जिसके लिए कंज्यूमर पैसा देने को तैयार है वो मार्केट में मिलेगा, फ्री इकोनॉमी। कंपटीशन, फ्री इकोनॉमी है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है। सो ऐसे सिचुएशन में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, और कॉम्पिटिशन बढ़ने से बायर एंड सेलर दोनों ही एफिशियंटली वर्क करेंगे। गवर्नमेंट इंटरफियरेंस जीरो है, एब्सेंस है वहां पे, गवर्नमेंट तुम्हारे बीच में नहीं करे। सो अब ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम थे, डिसाइडिंग अपना सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, ये कौन डिसाइड करेगा, डिसाइडेड बाय कंज्यूमर व्हाट टू प्रोड्यूस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन से हैं अभी, यूएसए, यूके, जर्मनी, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ट्रीट होते हैं। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या चीज बनानी चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन डिसीजन लेगा, कंज्यूमर। कंज्यूमर जिसके लिए ज्यादा पैसा देने के लिए वो प्रोड्यूस हो जाएगा। हाउ टू प्रोड्यूस इज डिपेंड ऑन द कॉस्ट, इफ लेबर इज चीप ही विल यूज लेबर इंटेंसिव, ही मींस बिजनेसमैन विल यूज लेबर इंटेंसिव मेथड, इफ लेबर इज कॉस्टली ही विल यूज कैपिटल इंटेंसिव, दस रिलेटिव प्राइस help the deciding the how to produce, what to produce, ये कौन decide करेगा,
कंज्यूमर. हाउ टू प्रोड्यूस ये कौन डिसाइड करेगा? प्राइसेस. एंड फॉर हूम, किसके लिए हम बनाएंगे? जिसकी बाइंग कैपेसिटी. गुड्स एंड सर्विस इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विल बी प्रोड्यूस फॉर दोज हु हैव बाइंग कैपेसिटी. फॉर हूम? जिसके पास पैसे खर्चने की तैयारी है. बाइंग कैपेसिटी. एंड डिसीजन अबाउट कंजम्पशन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. कंज्यूमर सेविंग एंड अदर विल बी डिपेंड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट वी वेइंग इन द मार्केट. अगर इंटरेस्ट रेट अच्छा तो कंज्यूमर सेविंग करने में इंटरेस्ट रहेगा. अगर इंटरेस्ट रेट नहीं है, इंटरेस्ट रेट कम है, तो सेविंग नहीं करेगा. सो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, वॉट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर? इट इज अगेन डिसाइडेड बाय प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स. Thus we see that all the goods produced by which method are to be produced, for whom. So what goods are to be produced, which method, for whom produce, and what provision should be made, all are decided by either price mechanism or market mechanism. तो ऐसे market में ये सभी चीजें, इधर consumer जिस चीज के पैसे ज्यादा दे रहे हैं वो हम produce करेंगे, जिस चीज की prices कम है वो हम use करेंगे labor या capital. कंज्यूमर की बाइंग प्राइस पे करने की ज्यादा है तो हम उसको ज्यादा पैसे, बाइंग कैपेसिटी. जिस चीज के लिए वो पैसे ज्यादा दे रहा है, बाइंग कैपेसिटी ज्यादा, वो फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम उसके लिए प्रोड्यूस करेंगे. एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये डिसीजन भी किसके ऊपर रहेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट. आ रहा ध्यान में? गेटिंग?